नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा, वी केयर वी शेयर में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नशे की, जिसको बहुत नामों से ना जाना जाता है। इंग्लिश में तो इसको ओपियोइड्स बोलते हैं, बट हिंदी में इसे हफीम, डोडापोस्ट, मॉर्फीन, स्मैक, ब्राउन शुगर, खांसी के सिरप, इन सब चीज़ों से जाना जाता है। बेसिकली खासकर पंजाब बेल्ट में मेनली इसे हफीम के रूप में लिया जाता है, और दिल्ली जैसी जगहों में ज़्यादातर इसको स्मैक या ब्राउन शुगर के रूप में लिया जाता है। वैसे तो ये सफ़ेद होता है रंग में, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए इसका कलर ब्राउन हो जाता है, इसीलिए इसे ब्राउन शुगर कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली इसका कलर वाइट होना चाहिए, बट है ये कलर में ब्राउन। अब दो तरह के पेशेंट्स आते हैं मेनली, कुछ हफीम लेने वाले, कुछ स्मैक लेने वाले, या उससे भी ख़तरनाक पेशेंट जो इंजेक्शंस लगाते हैं, स्पाज, हाँ सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, स्पाज्मोप्रोक्सन नाम के कैप्सूल जो यंग पेशेंट्स काफ़ी लेते हैं, जिनसे काफ़ी वज़न कम हो जाता है और ज़्यादा कैप्सूल लेने की वजह से दौरे भी पड़ते हैं, और पेशेंट्स इंजेक्शंस भी लगाते हैं, मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाते हैं, नॉर्फिन के इंजेक्शन लगाते हैं। एविल इस नशे में तो नहीं आता है, बट अक्सर ये देखा गया है कि फोर्टविन और फिनार्गन का इंजेक्शन लगाते हैं लोग मिला के, फिनार्गन भी लगाते हैं, फोर्टविन और एविल भी लगाते हैं। तो जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं वो तो सबसे ख़तरनाक आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? एक तो उनको इन्फेक्शन होता है सेप्टिसीमिया, क्योंकि वो बार बार सिरिंज लगा रहे हैं तो उससे उनको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर दो लोग आपस में सिरिंज शेयर करते हैं तो उसमें एड्स, हेपेटाइटिस का रिएक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई कंट्रीज़ में तो फ्री निडल प्रोग्राम्स भी चलते हैं, या पेशेंट को ये भी सिखाया जाता है कि अगर आपने नशा ही लेना है तो बेटर है कि अपनी ही सिरिंज इस्तेमाल करें। और अक्सर फीमेल, ऐसा नहीं है कि ये नशे सिर्फ मेल्स करते हैं, काफ़ी सारी मैंने फीमेल्स पेशेंट भी देखी हैं, किडनी स्टोन की वजह से दर्द हुई, या गॉल ब्लैडर की वजह से दर्द हुई, या कोई अनडायग्नोस्ड पेन हुई और उनको फोर्टविन का इंजेक्शन लगाया गया, तो उसके बाद क्योंकि वो डायग्नोसिस ठीक नहीं हो पाया तो उसके बाद उन्होंने दोबारा खुद से इंजेक्शन लगाया, जिसको आइटोजेनिक भी बोलते हैं, मतलब जो नशा है वो पहली बार पेशेंट ने नशे के लिए नहीं किया था, उसको दर्द घटाने के लिए दिया गया था, बट उससे जो इंजॉयमेंट मिली उस पेशेंट को, और क्योंकि उसकी प्रॉब्लम हल नहीं हुई तो वो इंजेक्शन उसको बार बार चलता रहा। इसमें आपको एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा। जब मैं 19 साल का था, जब मैं MBBS में सेकेंड ईयर में था लगभग, तो मेरे पेट में दर्द हुई और मुझे अपेंडिसाइटिस हुआ, जिसके लिए मुझे ऑपरेट करना पड़ा। तो लगभग शाम को 7-8 बजे हम लोग घूमने गए थे, तो मुझे दर्द हुई और 7:30 तक हम अपने कॉलेज के पास ही थे, MBBS के, शिमला से मैंने की है, तो वहाँ हम इमरजेंसी में पहुँच गए। तो वहाँ पे मुझे सीनियर रेजिडेंट ने देखा, जो PG करने के बाद होता है, तो उसको लगा कि शायद मुझे अपेंडिसाइटिस है और ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने प्रोफेसर का वेट किया 9 बजे तक, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था, तो प्रोफेसर को बुलाया गया ऑपरेट करने के लिए। प्रोफेसर जी आए लगभग 9 बजे तक, तो मैं लगभग 1-1.5 घंटे 1.5-2 घंटे तक अच्छी खासी दर्द में रहा, और उसके बाद जब डायग्नोसिस पक्का हो गया और मेरा ऑपरेशन फिक्स हो गया रात को, जो 10-11 बजे हुआ, तो मुझे फोर्टविन का इंजेक्शन लगाया गया। मुझे आज भी याद है कि 1, 2, 3, 4, 5, 11 की गिनती मैंने की होगी और वो दर्द गायब हो गया, और मुझे सच में खुद भी काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हो गया और मुझे हल्की फुल्की दर्द होती रही, तो मैं काफ़ी दिन तक उनको बोलता रहा कि वो इंजेक्शन दोबारा मुझे क्यों नहीं लगाते, बट उन्होंने नहीं लगाया, जो कि बिल्कुल ठीक किया गया। अब मैं समझ पाता हूँ कि क्योंकि मेरे को तो अपेंडिसाइटिस हुआ, दर्द ख़त्म हो गई, मैं भूल गया। लेकिन कई बार क्या होता है, दर्द के लिए जब इस तरह का इंजेक्शन डॉक्टर्स लगा देते हैं और पेशेंट की दर्द के कारण नहीं मिल पाता और उसको बार बार दर्द होता है, तो काफ़ी सारी फीमेल पेशेंट्स भी हैं जो इस नशे की आदी हो जाती हैं, और कुछ लोग जो है टेंशन कम करने के लिए इसको लेते हैं, बट ये कहीं ज़्यादा खतरनाक नशे हैं कंपेयर टू अल्कोहल या स्मोकिंग, वो भी बुरे नशे हैं, बट उससे ये कहीं ज़्यादा खतरनाक नशे हैं, बिकॉज इससे हेपेटाइटिस होता है, इससे एड्स फैलता है, चोरी चकारी होती है, लोग घर का सामान बेच देते हैं, और उम्र भी कम हो जाती है, खासकर इंजेक्शन लेने वाले या ब्राउन शुगर या स्मैक लेने वाले तो कई बार 5-10 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाते। तो ये बहुत ही ख़तरनाक नशे हैं। उसके बाद है, जैसे जो लोग स्मैक लेते हैं, कई बार घर वालों को पता ही नहीं लगता कि हमारा बेटा का वज़न कम हो रहा है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, बदतमीज़ी कर रहा है, रात को लेट आता है, चीज़ें गायब होती हैं, पैसे गुम होने लगे हैं, खाना कम खाता है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा करता है, तो ये इनडायरेक्ट इंडिकेशंस हैं कि शायद बच्चे ने नशा करना शुरू कर दिया है और उसका ध्यान जो है पढ़ाई से हट गया है, बाकी अपने कैरियर से हट गया है, और उसकी ज़िंदगी जो है नशे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो जब भी इस तरह से यंग पेशेंट्स में हम देखें कि उसके स्वभाव में बदलाव है, गुस्सा ज़्यादा है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा है, वो वैसा इमोशनली प्यार नहीं करता, आपस में आप आस पास बैठता नहीं है, तो
तो हो सकता है कि वो नशे की गिरफ्त में हो। और अक्सर जो यंग पेशेंट्स होते हैं वो स्पाज़मोप्रैक्सिमोन के कैप्सूल्स खाते हैं, और अगर वो 20-30 कैप्सूल्स खाते हैं तो उसकी वजह से उनको दौरे भी पड़ जाते हैं और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। फिर एक तीसरे सेम तरह का नशा है, ओपियोइड्स का ही पार्ट है, बट जो हैवी लेबर करते हैं, जैसे पंजाब में जो लोग मजदूर हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा वज़न उठाते हैं, तो वो लोग अफीम का सेवन करते हैं। बट कंपैरेटिवली वो इंजेक्शन और उससे तो कहीं बेहतर है, बट वो भी एक तरह का नशा है। बेसिकली जब हम शरीर को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए वो नहीं बना है, तो उसको राहत देने के लिए लोग नशे का सहारा लेते हैं। शुरू में तो वो राहत बनती है, बाद में वही नासूर बन जाता है। जब इस नशों को छोड़ते हैं, पेशेंट को लगता है कि, पेशेंट भी समझता है, वो इसकी परेशानी में भी रहता है। बिकॉज़ होता क्या है, शुरू में जब नशा लेते हैं तो नशे का मज़ा आता है और थोड़ी सी परेशानी होती है, धीरे धीरे मज़ा बहुत कम हो जाता है, डोज बढ़ जाती है और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस स्थिति में जब परेशानी बढ़ गई है और मज़ा कम है और डोज बढ़ गई है, तो पेशेंट खुद चाहता है कि वो छोड़ दे, क्योंकि ना वो काम करने लायक रहता है, ना वो पैसे कमाने लायक रहता है, घर में इज्जत चली जाती है, घर में चीज़ें टूटती हैं, चोरियाँ होती हैं। तो पेशेंट मरीज़ छोड़ना चाहता है बट उसको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। पेशेंट को उबासियाँ आती हैं, पेट में दर्द होती है, नाक से पानी चलता है, आँख से पानी चलता है, मुँह से पानी आता है, छींकें आती हैं, उबासियाँ आती हैं, और उसके बाद दस्त लग जाते हैं, दर्दें होती हैं, और ऐसा 2-3 दिन तक बहुत बुरा हाल हो जाता है कि पेशेंट अक्सर दूसरे तीसरे दिन दोबारा नशा कर लेता है। ये लक्षण ठीक होने में लगभग 15-20 दिन का समय लग जाता है। मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो ये वाले नशे करते हैं, उनके फैमिली या रिलेटिव्स फॉरेन रहते हैं बट वो जा ही नहीं पाते, क्योंकि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नशा करते हैं तो उनको डर लगता है कि ये नशा अगर वो लेके जाएंगे तो वो इलीगल होगा। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये तभी सॉल्व हो सकती है जब हम इन नशों से दूर रहें, इसके बारे में हमें जानकारी हो, जानकारी नशा करने वाले को भी हो और उनके घर वालों को भी हो, ताकि घर वाले जल्दी से जल्दी सपोर्ट कर सकें। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले हम माने कि हम किसी गलती पे हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम अपने घर वालों का सहारा लें जो हमें हमेशा हेल्प करते हैं। नंबर तीन बात, हम अपने स्पेशलिस्ट से राय लें कि क्या ये सिर्फ ओपीडी बेसिस पे दिखा के, मतलब पेशेंट को डॉक्टर से सलाह लेके दवा से ही ठीक हो सकता है, या कुछ कंडीशंस में एडमिशन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो 15 दिन से 1 महीना, या बहुत मुश्किल पेशेंट है तो कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं ये चाहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप दूसरे लोगों को भी बताएं।